इस सभा के माननीय सभापति जी, लर्नेड प्रोफेसर विद्याचार्य यादव जी और इस मंच के सचिव इंजीनियर राधा जी और इस सभागार में उपस्थित है बिहार प्रदेश के अर्चित जी पूर्णिया कटिहार हर जगह के से आज प्रतिनिधि साथियों मित्रों भाइयों बहनों और पत्रकार आज जो ये बैठक हो रही है यादव जो भगवान जी और जिसकी चर्चा जो भी बनता है बताने का काम किया और अपने अपने विचारों को रखने का काम किया। साथियों यह पहला सम्मेलन नहीं यह तीसरा सम्मेलन है और यह जो ज्यादा जागरण मंच है कोई पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसका नाम है यादव जागरण लोगों जगाना क्यों इसकी आवश्यकता क्यों, क्योंकि मैं भी राजनीति में रहा हूं पहले से और पूरा प्रदेश जब एक था 54 जिले का तो मुझको अवसर मिला है 54 जिला और मुझको अवसर देश में जो धनी थोड़ी स्टेट से राज्य वो भी घूमने का मौका। आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, 2004 में क्यों पड़ी, निश्चित तौर से आपको जानना होगा, क्योंकि ये जो हमारे जादव भाई हैं, बड़े भोले भाले बड़े सीधे हैं, कोई भी व्यक्ति इसको बोला इसके भी कारण हमारा मानना है कि देश की आजादी के 70% देश की तरक्की में इसलिए कर रहा हूं कि पूरे विश्व में जो लगभग 25-30 राज्य देश एटमी ग्रुप में आके है उत्तर भारत, देश की तरक्की हुई प्रदेश की तरक्की और प्रदेश में रहने वाले लोगों की भी तरक्की केवल बिहार छोड़। आज इसकी आवश्यकता पर हर लोग कहता है कि हम 18% यादव है 20% है, लोग भी कहते हैं और कमजोर नहीं है, देह हाथ से पहलवान के लोग इसी में होते कमजोर नहीं है, लेकिन एक साल इसके बिहार के यादव शिक्षा देने का काम क्यों कि अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि हमें क्या करना, क्योंकि शिक्षा से शक्ति और मुक्ति और खास करके यादवों के ये बहुत आवश्यक। आप याद रख सकते हैं, आप सोचिए तो कि सरकार बनी आपके लोगों की सरकार बनी क्या मिला, इन चीजों को भी बताने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मानना कि अशिक्षित रहने के कारण लोग भटक गए
इनको सही रास्ते पे मानने की जरूरत है।